जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सके। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरुजी। संगत जी, हमें पैसा ब्याज पे लेना चाहिए या नहीं, ये कैसा फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको इस सत्संग के अंदर बहुत परफेक्ट तरीके से संगत जी मिलेगा। मतलब ये सत्संग अपने आप में पूरा ही अनूठा सत्संग है फाइनेंस के ऊपर संगत जी है। और एक्चुअली सही बताऊँ ये पूरा सत्संग संगत जी 100% रिलेट करता है हमारे सबसे परम पवित्र पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस से। हाँ जी, रामायण से ये सत्संग बहुत रिलेट करता है। कैसे, मैं आपको इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए महादेव की पूजा करी थी और रावण ने भी भगवान राम को पराजित करने के लिए महादेव की ही पूजा करी थी। संगत जी, समझे ना बात मेरी? बात आपको ये कहाँ जाके समझ में आएगी जब आप पूरा सत्संग सुन लेंगे ना। जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ता जाएगा और सत्संग में आप पूरा रिलेट करते जाएंगे, आप वहाँ पर ये चीज़ आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भगवान राम ने भी, भगवान श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के लिए महादेव की पूजा की थी, उनकी शरण में गए थे, और रावण ने भी भगवान श्री राम को परास्त करने के लिए वो भी महादेव की शरण में गए थे। और ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी गुरुग्राम से शीतल आंटी जी ने। हाँ जी, गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत हैं गुरुग्राम से शीतल आंटी जी ने, और मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्राना अदा करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी की आज्ञा लेकर ये अपना प्यारा सा सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है ये कि मैं आप सभी से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, मेरा नाम शीतल है और फिलहाल मैं 20 साल से गुड़गांव में रह रही हूँ। तो आज से करीब करीब 10-12 साल पहले मेरी एक फ्रेंड थी, तो मेरा पार्लर का काम है तो मैं उनका पार्लर का काम वाम किया करती थी। तो इसी दौरान मेरी उनके साथ थोड़ी दोस्ती वोस्ती हो गई, तो उनका कुछ पैसों का लेना देना चलता रहता था, तो उन्होंने मुझसे धीरे धीरे बात की कि ऐसे ऐसे इंटरेस्ट पे पैसे देना, मतलब इंटरेस्टेड हो थोड़ा अच्छा ब्याज व्याज आता है। शायद मेरी वही गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मतलब ये एक गुनाह ही समझ लो भगवान की नज़र में। तो मैं वहाँ से शुरू हो गई, तो संगत जी मैं वहाँ से शुरू हो गई उनको पैसा लेना देना लेना देना। तो ये सिलसिला हमारा 7 से 8 साल चलता रहा, 7 से 8 साल चलता रहा। तो उस दौरान अभी अगस्त में क्या हुआ कि जैसे देते देते कभी मैंने अपने रिश्तेदारों से 2 लाख ले लिए, कभी 1 लाख किसी से ले लिया कि चलो मेरे घर में भी 2 पैसे बच जाएंगे, उनका भी काम चलेगा, उनका भी चलेगा, कि सबके साथ एक थोड़ा सा साइड बाय काम हो जाएगा। तो मैंने उनके साथ लेना देना शुरू करती रही। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे उनके अंदर 16 से 17 लाख रुपए हो गए। अब उन्होंने
धीरे धीरे करके, जैसे मैं उनकी ये सब चालें होती है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम माइंड से काम नहीं करते, हम कई बार होता है कि हम दिल से काम करते हैं। तो मैं भी उनके साथ एक दिल का रिश्ता लेके चल रही थी कि मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है, चलो ठीक है, काम चल रहा है उनका भी। तो अभी फ़िलहाल हुआ क्या कि 24 अगस्त जो अभी ये 2022 की है, इसमें 23 अगस्त तक वो मतलब मेरे से अच्छे से बात बात सब कर रही है। और उन्होंने क्या किया कि मैं उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो मैं अपनी दीदी को उनके घर अफसोस के लिए ले गई थी, तो मेरी दीदी की भी जान पहचान उनके साथ हो गई, तो वो मेरे से छुपा कर मेरी दीदी से भी लेना देना उसने शुरू कर दिया। मेरी दीदी की एक बहन बनी हुई है, उनके हस्बैंड हैं पुलिस लाइन में, उनसे भी उन्होंने लेना देना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे धीरे धीरे मेरे को पता लगा, तो मैंने थोड़ी नाराज़गी उनके साथ जाहिर की, मैंने कहा आप मेरी फ्रेंड थे, कम से कम आप मुझे बताते तो सही कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को जैसे तैसे उन्होंने मना लिया कि मेरे को नीड थी, मैंने मेरा काम था, चल कोई बात नहीं तू नाराज मत हो, ऐसे ऐसे करके उन पुलिस लाइन वाले भैया से उन्होंने 22 लाख ले लिए और मेरी दीदी से उन्होंने 14 लाख ले ली और 17 लाख मेरा हो गया। तो मेरे को जैसे ही मेरी दीदी ने अपना मकान सेल आउट किया था तो उसका सारा पैसा उसी के पास चला गया। अब उनकी क्या सेटिंग वेटिंग हुई मुझे नहीं पता। तो मेरे को जैसे ही पता चला तो मैंने उनको बोला कि दीदी ऐसे ऐसे बात हुई है, मेरी दीदी का पैसा आपके पास आया है। तो वो क्या है कि वो जो दीदी है मेरी, वो भी गुरुजी को मानती हैं, वो भी अपने गुरुजी को मानती है। लेकिन मैं जब जब भी उनके घर जाती थी, गुरुजी मुझे माफ़ करे, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं आज बोलूँगी, मैं जब जब भी उनके घर जाती थी मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था क्योंकि गुरुजी के स्वरूप पे बड़ी मिट्टी चढ़ी हुई होती थी। तो मैं उनको बोलती थी कि दीदी कभी कभी मंदिर पे भी ध्यान दे लिया करो, हर वक्त पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं होता। वो मेरी बातों को इग्नोर करती, ना जाने क्या करती, मुझे नहीं पता। तो जब मैंने अपनी दीदी के पैसों के लिए उससे पूछा कि आपने मेरी दीदी से भी पैसे लिए हैं, तो उसने झट से गुरुजी की कसम खा ली। भाई गुरुजी की कसम खाई है, क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हम लोग तो गुरुजी की कसम नहीं खाते। और झूठी कसम कान पकड़ती हूँ 10 बार, झूठी कसम तो कभी ज़िंदगी में हम सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने गुरुजी की कसम खाते ही मेरे को यकीन आ गया। अब हुआ क्या कि अभी ये 24 अगस्त को 23 अगस्त तक वो मुझसे बात कर रही है, तो मेरे को अपना 12 लाख रुपए का चेक लेने और 90,000 रुपये लेने उनके घर जाना था। मैं 3 दिन से उनके घर चक्कर लगा रही थी, वो मुझे नहीं मिल रही, वो अपने घर में छुप जाया करती थी। अब छुप गया, जो बंदा छुप गया उसको हम कमरों में तो ढूंढ नहीं सकते, हम उठ के आ जाया करते थे। तो जिस दिन मेरे को जाना था 24 तारीख को, मैं सुबह सुबह उनके घर के बाहर बैठ गई, उनका घर का अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मेरी दीदी भी पहुंच गई और वहां पे वो पुलिस लाइन वाले भैया भी पहुंच गए, तो हम तीनों इकट्ठे हो गए। मैंने कहा ये सीन तो हमने पहली बार देखा है कि इस तरह से कुंडी अंदर से बंद है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। मैं उनको मैसेज करे जा रही, दीदी कहाँ पे हो, बात तो करो, दीदी गेट खोलो। इतनी देर में जैसे 12 बजे से लेके 3 बज गए, हमें 3 बज गए, हम इधर उधर देखें, आस पड़ोस में पूछताछ करें, वो कहीं पर हमें दिखाई नहीं दे रही। फिर अचानक से वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने बड़े बेटे के साथ और गाड़ी में आई। तो मैं उनको गेट पे ही मैंने बोला क्या हो गया, सब ठीक तो है, खैरियत तो है? तो बोले हाँ हाँ कोई दिक्कत हो गई। तो मैं उनको पकड़ कर, कि वो बीमार हालत में थी शायद, तो मैं यही सोच कर मैं उनको पकड़ कर मैं उनके ऊपर चली गई उनके घर के अंदर। तो मैंने फिर देखा कि 2 आदमी और बैठे हैं उनके साथ ही, उसी गाड़ी में से उतरे थे।
तो वो मेरे से सवाल पूछने लग गए कि जी आपने इतना इतना पैसा इनको कैसे दे दिया, तो ऐसे ऐसे ब्याज लेते हो वो लेते हो। तो मैंने कहा कि इनको ज़रूरत थी, ये मांगते थे, क्योंकि 2018 में ना उनके जो ये दीदी है इनके बेटे पे रेप केस लगा था, वो अभी भी चल रहा है। तो मैंने बोला इनके बेटे का ऐसे ऐसे केस चला था, उसी दौरान हमने पैसा दे दिया, क्या हो गया, किसी को तकलीफ में थोड़ा सा हमारा भी लगा लो आप, किसी की हेल्प करना क्या गलत होता है। चलो जी, इतने में मैंने फिर दीदी को, अपनी को और जैजी को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा वो दीदी आ गए हैं, आप आ जाओ। वो कह रहे हैं कि आपसे कुछ बात करनी है। तो इतने में दीदी आ गई, जीजाजी आ गए। संगत जी, 1 मिनट में हम क्या देखते हैं कि 2 पुलिस वाले आए उसके घर बैठे, हम बंदों को, मेरे उन भाई साहब पे, पुलिस लाइन वाले भाई साहब के कंधे पे हाथ रख के पुलिस वाले ने बोला कि चल तुझे पैसे मैं देता हूँ। तो उन भाई साहब ने बोला बोला चलो, मेरे को क्या डर है, मैंने पैसा दे रखा है, अब इसने ऐसी ऐसी कोई हरकत करी है तो मेरे को क्या डर है, मैंने पैसा दे रखा है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास 22 लाख के चेक हैं इसके दिए हुए, और 5 लाख के चेक मेरे पास थे, मेरा 12 लाख का चेक मुझे लेने जाना था उनके घर पे, तो उन्होंने मुझे वो चेक दिया नहीं। मेरी दीदी के पास 14 लाख के चेक थे। हम उठ के उनके साथ चले गए, वो लोग भी चले गए। वहाँ पे थाने में जाके हम क्या देखते हैं कि वो मेरे पीठ थपथपाती है, वो कहती है कि तू चुप रह, तू चुप रह, तू चुप रह ना, तेरा कोई नाम नहीं है उसमें, मैंने तेरे खिलाफ़ कुछ नहीं किया है, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, इन्होंने मुझे ना कुछ फ़ोन पे बोला बोला था, तो ऐसे करके उसके ड्रामे थे वो सारे। तो फिर हुआ क्या संगत जी, कि उन्होंने जैसे अपनी कार्रवाई कर ली कि उसने एप्लीकेशन दे रखी थी कि मैंने इन लोगों से पैसा ले रखा था जो मैंने इनको वापस दे दिया, तो जो पैसा वापस दे दिया तो वो अपने चेक हमारे पास क्यों छोड़ेगी, ये बताओ। इतनी तो उसमें बहुत स्मार्ट लेडी है, वो बहुत स्मार्ट। अब तो मुझे जैसे उनके बारे में पता लग रहा है ना, मैं कान पकड़ती हूँ, गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं ये ब्याज ब्याज इनके चक्करों में पड़ गई, मुझे क्षमा दे देना बस आप। अब क्या हुआ कि ये सब करते करते ये कभी वो वुमेन सेल में जाके एप्लीकेशन लगा रही है, कभी क्या, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी कर रही थी, अपनी सेफ्टी कर रही थी, तो कभी वुमेन सेल में हम धक्के खा रहे हैं, कभी चौकी में। और संगत जी होता क्या है कि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मेरे पापा के घर में, दादा के घर में, ससुराल के घर में हमने आज तक पुलिस नहीं देखी कभी, तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा हिल जाती हूँ इस चीज़ से। तो हम ऐसे करते करते हमारा 24 तारीख को ये चीज़ हुई, हमारा 25 निकल जाती है, 26 निकल जाती है, 27 निकल जाती है, 28 निकल जाती है। रात को सुबह से लेके शाम तक हम घूमे जा रहे, कभी कहाँ पे, कभी कमिश्नर ऑफिस में जा रहे हम, क्योंकि हमने भी फिर उसके खिलाफ एप्लीकेशन देनी थी कि जी हमारे साथ ऐसा ऐसा इस लेडी ने कर दिया। अब धीरे धीरे संगत जी पता क्या लगता है कि वो लेडी अपने ही पड़ोसियों से, किसी से 25 लाख ले रखे हैं, किसी से 20 लाख ले रखे हैं, उसके एक दो मुकदमे तो दर्ज भी हो गए हैं कि चेक बाउंस के जो केस लगाते हैं, तो वो केस उसके मतलब वो हो भी चुके, तो उसके घर में नोटिस आया, पहले किसी, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्हीं की पड़ोसन है, तो उन्होंने, वो भी मेरी तरह ही उन्हीं की सहेली थी, तो इस लेडी का काम क्या होता था कि जब 22-25 लाख रुपए एक बंदे के हो जाते तो उसके खिलाफ ये जाके ऐसे ही एप्लीकेशन दे देती है। तो कई लोग तो चुपचाप बैठ जाते हैं, हम लोग तो चुपचाप बैठे नहीं, क्योंकि हम तो बिल्कुल ये समझ लो कि हमने अपना घर का पैसा, रिश्तेदारों का पैसा, सब कुछ भार भूर के उसको दे दिया, उसको दे दिया। अब गर्दन हमारी फंस चुकी है और वो चलो अपना काम करे जा रही है। फिर मेरे को अचानक से ऐसे करते करते मेरे 3-4 दिन निकल गए। मैंने कहा गुरु जी आपने किया है, मुझे नहीं पता ये क्या आपकी लीला है, लेकिन ये मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, मेरे साथ बहुत ही गलत हो गया है, तो इसको अब आप देख लेना।
तो ऐसे करके मैं रोते रोते, मतलब 2021 में मैं गुरुजी को मेरा मतलब मानने लगी थी। मैं 2022 में मेरा कभी इन 1.5-2 सालों में मेरा गुरुजी के बड़े मंदिर कभी जाना नहीं हुआ। कोशिश मैंने बहुत बार की, लेकिन गुरुजी ने शायद मुझे इसी टाइम पे बुलाना था। तो ऐसे करते करते 28 का इतवार था, 29 को सोमवार था, तो मेरे बेटे का मुझे फ़ोन आया। मेरा बड़ा बेटा CA की पढ़ाई कर रहा है और छोटा बेटा मेरा 12th में है। तो मेरे बड़े बेटे का मुझे फ़ोन आया कि मम्मा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना गुरुजी के मंदिर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, है गुरुजी को तो सिर्फ अभी तक मैं ही मानती थी, मेरे बच्चे सिर्फ सुनते थे, मैं मंत्र जाप वगैरह जो भी करती थी। तो ये मेरे बेटे को अचानक हुआ क्या? मैंने कहा, हाँ बेटा हो आओ। मेरा बेटा दोपहर में सोमवार को बड़े मंदिर पहुंच गया। अब मैं परेशान थी, क्योंकि मेरा तो ये लाइफ का मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस था कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं सूझ रहा मुझे। फिर मेरे को बेटा मेरा आ गया, बोला मम्मी मेरे को बहुत अच्छे दर्शन हुए, और वो स्वरूप लेके आया गुरुजी का। गुरुजी का स्वरूप लेके आया, मैंने मतलब देखते ही मैं थोड़ा सा नाराजगी से भी देख रही थी गुरुजी की तरफ, और थोड़ा मेरे को ये भी लगा कि मेरा बेटा अचानक से जाग के आया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ये गुरुजी जाने। फिर सोमवार को शाम को ही मेरे हस्बैंड का फोन आ जाता है, बोला गुरुजी के बड़े मंदिर चलना है। तो मैंने कहा, मैं तो आज तक गई नहीं हूँ, आप जानते हो रास्ता? तो बोला हाँ, चल चलते हैं। तो शाम को मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए। मैं गुड़गांवा से लेके बड़े मंदिर तक मैंने मंत्र जाप नहीं छोड़ा। मैं पीछे गुमसुम बैठी हुई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप करते करते मैं कब बड़े मंदिर पहुंच गई मुझे पता ही नहीं लगा। जाते ही हमें जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद मैंने जैसे ही पिया, मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मतलब मेरे अपने आप आंसू निकलने लग गए, और ये बारिश आंसुओं की बहुत हुई। तो फिर आगे हम गए, तो हमें जैसे गुरुजी के दर्शन हुए, और मैंने जैसे ही गुरुजी का मंदिर अंदर से देखा ना, तो मैं देखती रह गई कि मतलब क्या है। मुझे कुछ वहां पे सूझ नहीं रहा है, लेकिन एक अजीब सी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई। तो हमने जाके ब्रेड पकोड़ा प्रसाद था, लंगर प्रसाद जो मेरे हस्बैंड ने खाया और मैंने लिया। हम जैसे ही बैठे तो हमें चाय एक ही मिली थी, मेरे हस्बैंड ने एक चाय ली थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे, तू पी ले तू पी ले। तो मैं बस रोए रोए जा रही थी, और काफ़ी संगत वहाँ पे बैठे थे, वो मतलब कुछ कुछ मेरे को देख भी रहे थे कि मैं रोए जा रही थी लेकिन, और अपना लंगर प्रसाद में खाए जा रही थी। हमने लंगर प्रसाद किया, दर्शन किए, और हम आ गए घर पे। अब सोमवार को मैं जाग के आई हूँ, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में गई हूँ। मेरे हस्बैंड ने ना, मेरे हस्बैंड थोड़ा हनुमान जी के भगत समझ लो, कि हनुमान जी को बहुत मानते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गदा ला के दी हनुमान जी की, और बोले कि ये मंदिर में चढ़ाया ना, और उस लेडी का नाम लेके और हनुमान जी को बोलना कि मारो उसके। अब आपने ही हमारा पैसा लेके आना, जो कि हमारा नहीं है, लोगों का है। तो मैं शाम को हनुमान जी के मंदिर पहुंची। हनुमान जी के मंदिर में जाके देखती हूँ कि वहाँ खाटू श्याम बाबा का मतलब अच्छा कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, वहाँ पे आरती गाई जा रही है, मतलब खूब रौनक लगी हुई है। जैसे ही मैंने वहाँ पे प्रसाद लिया, आरती गाई, सारे काम किए, फिर मंदिर जैसे ही वो संगत चले गए थे, तो उसके बाद मैंने हनुमान जी के गदा चढ़ाई, और मैंने ऐसे ऐसे उसका नाम लेके मैंने बोल दिया। अब ये सोमवार और मंगलवार तो दोनों इकट्ठे हो गए। सोमवार को मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ, और मंगलवार को मैंने हनुमान जी पे गदा चढ़ाई।
तो क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये मानना था, उन्होंने कहीं सुना होगा खाटू श्याम के कीर्तन में, जागरण में, कि जब भी किसी का पैसा फंसा हुआ होता है तो हनुमान जी पे गदा चढ़ाओ उसका नाम लेके, तो शायद ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब सोमवार मेरे गुरुजी के मैं होके आई थी, मंगलवार को हनुमान जी के। तो अब मेरा ये मानना है कि गुरुजी ने और हनुमान जी ने बैठ के मीटिंग की कि शीतल का तो पैसा फंस गया है और पैसा दूसरों का है, घर में इतनी कमाई नहीं है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कैसे ही हिसाब के चुकता करेंगे मतलब लोगों का। तो क्या हुआ कि सोमवार मंगलवार बुधवार को, जैसे मैंने दो दिन पहले अपने चेक लगा दिए थे बैंक में कि बाउंस हो जाएंगे, तो तब तक मेरी दीदी ने और उन भैया ने मतलब अपने चेक बाउंस वाउंस करके उसके घर नोटिस वो लोग पहुंचा चुके थे वकील के थ्रू, कोर्ट में केस डाल दिया था उन्होंने। अब मेरा कोर्ट केस इसलिए लेट हो रहा था कि गुरुजी तो अपना काम कर ही रहे थे ना। तो क्या हुआ कि मैंने अपने चेक लगा दिए थे 3-4 दिन पहले ही कि चलो चेक तो लगाए आते हैं, अभी उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं इधर अपना काम करती रही, चेक बाउंस हुए, और वो लेडी क्या करती थी कि जब भी किसी को चेक देती थी ना तो वो पीछे अपना नंबर लिख देती थी, मोबाइल नंबर। तो ये भी उसकी चालाकी और गुरुजी को मानने वाली बंदी। लेकिन मुझे आज यकीन है कि वो गुरुजी को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मानती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद उसके साथ भी ये सब नहीं होता। मेरा पैसा डूब गया था तो डूब ही गया था। तो मेरे जैसे ही चेक का फ़ोन बैंक वालों ने, क्योंकि हमें जब हम चेक बाउंस के लिए लगा के आते हैं तो हमें अपना नंबर भी पीछे लिखना होता है, क्योंकि मैंने ये चेक वैक के इन लफड़ों में मैं कभी पढ़ी नहीं थी, बस वो कूड़े की तरह मेरे ड्रॉर में पड़े हुए थे कि चलो उसने चेक दे दिए हैं 5 लाख के दे दिए, 12 लाख के और देगी। तो मैंने 5 लाख के चेक जैसे बाउंस के लिए लगाए तो वो बैंक वालों ने क्या किया कि उसके नंबर पर उसको फ़ोन कर दिया, उसको फ़ोन कर दिया कि आपके चेक बाउंस हो गए। अब हुआ क्या कि उस लेडी को क्या करना चाहिए था, उसको करना चाहिए था कि जी ये चेक मेरे नहीं है, मैंने कोई चेक वैक नहीं डाला, तो उसको बैंक में लेने नहीं आना चाहिए था वो चेक, चाहे उसी ने मुझे दिए थे, क्योंकि ये वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई थी। तो उसने क्या किया, वो झट से बैंक में आ गई, तो बैंक में आके वो मेरे चेक उठाकर ले गई और मेरे चेक को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, फाड़ दिया। तो फाड़ दिया, अब ये लीला तो मुझे पता है किसकी थी, ये तो हनुमान जी और गुरु जी ने मीटिंग की थी कि अब करना तो कुछ है। ये तो हताश होके बैठ गई है शीतल, तो बस रोए रोए जा रही है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अब मुझे क्या होता है कि जब मुझे उस लेडी का पता लगता है, मैं बैंक जाती हूँ, मैं बैंक में चली गई हूँ, वहाँ पे जाके मैंने अपने चेक मांगे तो स्टाफ ने बोला कि चेक तो आप ले गए हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं लेके गई हूँ चेक, उन्होंने मुझे अपने साइन दिखाए, हिंदी में उसने मतलब मेरा नाम लिख रखा था। मैंने कहा ये मेरे साइन है ही नहीं। तो मैंने, मेरे जो वो भाई साहब थे और मेरी दीदी थी वो मेरे साथ ही थे, क्योंकि हम पूरे केस के दौरान हम तीनों साथ ही भटकते थे हर जगह पे। तो मेरे उन्होंने भाई साहब ने बोला कि 112 पे कॉल कर, तो मैंने 112 पे कॉल किया और मैं और ज़्यादा हिलने लग गई, इतनी घबराहट मेरे अंदर कि अब क्या होगा, अब तो पुलिस आएगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो PCR आ गई, इतनी देर में PCR आ गई, उन्होंने बोला हाँ जी मैडम क्या बात हुई। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कोई लेडी आई है और मेरे चेक लेके चली गई, मुझे नहीं पता वो लेडी कौन थी, तब की मुझे पता था कि वो लेडी कौन थी, वही लेके गई है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे चेक पता नहीं कौन ले गया, बैंक वालों ने दे दिया। अब बैंक वालों के खिलाफ जाके वो PCR में बिठा के हमें ले गए और चौकी में ले जाके उन्होंने हमारी एप्लीकेशन लिखवा दी। तो वहाँ पे जो SI था उसने बोला कि जी आप भले ही जानते हो कि वो लेडी आपके चेक ले गई है, लेकिन आप उसको नहीं जानते हो, जब आप लिखित में लिखोगे तो आप बैंक वालों के खिलाफ ही शिकायत दे सकते हो।
तो भाई ये उनका प्रोसेस होता होगा, मुझे नहीं पता, तो हमने ऐसे ऐसे कर दिया। अब बैंक वाले बंदे मुझे बुला रहे, मैंने कहा मैं आऊंगी नहीं बैंक में। तो मैनेजर ने मेरे से बात की कि आपको अपने चेक चाहिए ना, मैं आपको आपके चेक मंगा के दूंगी। तो मेरे उन पुलिस लाइन वाले भाई साहब ने बोला कि नहीं नहीं हमें चेक नहीं चाहिए, हमें वो बंदी चाहिए जिसने हमारे फ्रॉड साइन करके और हमारी चोरी की है। अब उसके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज मैंने करना था। वो सारी बाजी आ गई मेरे हाथ में। अब मेरे हाथ में वो बाजी आ गई, अब मैं तो कुछ करना भी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि उसके बच्चे भी परेशान हो घर में, वो भी परेशानियों से। मुझे ये था कि बस मेरा पैसा मुझे वापस दे दे वो, जैसे तैसे वो बेशक महीने की किस्त बना ले कि मैं तेरे को ऐसे ऐसे महीने में इतने इतने दे सकती हूँ, तू अपना पैसा ले जा भाई। तो अब बैंक वाले उसको ढूंढने लग गए, वो ना बैंक वालों का फ़ोन उठाती ना वो अपने घर में मिलती, वो छुप जाती क्योंकि उसके घर पे 7-7, 8-8 कैमरे लगे हुए थे। अब कैमरे भी लगे हुए थे, 2.5 करोड़ की कोठी भी थी जिसने बैठी थी बंदी, क्योंकि लोगों का पैसा ऐट रखा था उसने, किसी से 25 लाख ले रखा, किसी से 20 ले रखा, किसी से 35 ले रखा। अब ये चीज़ें धीरे धीरे निकल के हमारे सामने आ रही थी, हम और ज़्यादा घबरा गए। तो संगत जी हुआ क्या कि उसके बाद बैंक मैनेजर जाके कि भाई वो तो हाथ में नहीं आ रही है, वो बंदी आ ही नहीं रही है, फ़ोन ही नहीं उठा रही है, तो उसने बैंक मैनेजर ने जाके उसके खिलाफ एप्लीकेशन लिख दी कि ये बंदी फ्रॉड है, इसने ऐसे ऐसे फ्रॉड किया है और हम अपने कस्टमर के शीतल के साथ हैं। अब इस एप्लीकेशन पे पुलिस वाले अपना काम करने लग गए। पुलिस वालों ने उसके घर गए, उसको उठा कर लेके आए। अब मेरा और उसका सामना करवाया तो मैंने बोला काम तो दीदी आपने बड़ा अच्छा कर दिया, क्योंकि उसने जब फर्स्ट एप्लीकेशन दी थी ना उसमें उसने ऐसे से कुछ लिखा था कि शीतल से तो मैंने 1 ही लाख रुपया ले रखा था, जो कि मैंने ऑनलाइन, जो वो मुझे ऑनलाइन जो इंटरेस्ट होता है वो मुझे ऑनलाइन भेजा करती थी। तो साल से 2-4 साल में तो काफ़ी पैसा ही हो जाता है, 17 लाख का 2%, 3% का इंटरेस्ट भी लगा के चलो तो काफ़ी हो जाता है। तो वो ऐसे करके उसने 4-5 साल का रिकॉर्ड दिखा दिया कि मैं तो इस बंदी को पैसा दे चुकी हूँ। तो उसने मुझे जो पैसा दे दिया वो तो मैंने लोगों को बांट दिया। अगर वो मुझे 4 साल, 2 साल, 3 साल पहले भी मुझे बोल देते कि शीतल मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगी, तो ऐसा कर धीरे धीरे अपना पैसा ले ले, तो मैं तो बड़ी खुशी खुशी से उससे पैसा ले लेती अपना। तो उसका मेरा सामना हुआ तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बताओ अब आप पे मैं मुकदमा करूँ। तो उसके हस्बैंड तो बड़े, मतलब जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन उन्होंने दी थी उसमें उसके घर वाले का तो रूप कुछ और ही था, और वो मेरे सामने ऐसे भीगी बिल्ली की तरह खड़ा, हाथ जोड़ रहा, शीतल जी बस आप ही हो, अपनी दीदी को आप जेल जाते हुए देखना चाहते हो तो भेज दो भाई जेल, और क्या करूँ, अब आप मेरे से बात कर लो, पैसे का डिस्कशन कर लो, जो 5 लाख रुपए के चेक फाड़े हैं वो 5 लाख हमसे वापस ले लो। मैंने कहा भाई साहब मेरे 17.5 लाख रुपए हैं, मेरे 5 लाख नहीं है, 12 लाख का चेक तो इन्होंने मुझे देना था जिस दिन मैं लेने गई हूँ, जिस दिन एप्लीकेशन दिए इसने। तो उसके हस्बैंड ने जैसे तैसे करके वो वापस चले गए। ऐसे करके हमारा 3 दिन फिर चलता रहा कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। वो कह रहे कि मैं तो इतने से ज़्यादा दे नहीं सकता, और मेरे सुनने में आया था कि उसने 4 लाख रुपए में मतलब अपना सौदा पक्का कर लिया कि मेरे को सबको खिलाना है, लीगल डिपार्टमेंट जो भी है, इस ये जो केस जिनके पास था। तो मेरे सुनने में आया कि 3-4 लाख रुपये तो ये उनमें बांटेगी। तो उसमें बांटेगी। तो फिर मैंने 3 दिन हमारा ऐसे ही चलता रहा कि हम चौकी में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर चौकी में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो लास्ट में हमारा डिसाइड हुआ कि चलो, मैंने कहा भाई साहब देखो, मैंने उनके साथ बैठ के आराम से बात की। तो मैंने कहा भाई साहब देखो, मेरे को लोगों को पैसा देना है और मेरा पैसा आप रिटर्न कर दो, मैं कोई मुकदमा नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि आपकी वाइफ जेल जाए। और 420 का मुकदमा तो ऐसा है कि उसमें तो 7 साल की जेल पक्की है।
मैं तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने तो इनको दोस्त माना, इन्होंने मुझे माना नहीं माना, ये इनकी मर्जी और इनकी टोटल इन्हीं की मर्जी है। तो उन्होंने बैठ के मेरे को बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ। 10 लाख रुपए में हमारा जैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतने में तो काम चला लूँगी, जो 3-4 लाख रुपए मेरा था और बाकी और भी आप लोग खा रहे हो 6-7 लाख रुपए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख देना वहाँ पे कि भाई हमने इनके और पैसे देने हैं, हम धीरे धीरे करके दे देंगे। तो बोला हाँ ठीक है, मैं लिख दूंगा, चलो। तो बोले लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, वकील के चैम्बर में करेंगे। तो हम कोर्ट पहुँच गए, हम कोर्ट पहुँचे, कोर्ट में जाते ही उनके फिर ड्रामे वही शुरू हो गए। नहीं, उनकी जो लॉयर थी वो भी गुरुजी को मानती थी, वो भी गुरुजी को मानती थी। मैंने उनके हाथ में भी ब्रेसलेट देखा था, उन्होंने जिक्र भी किया था एक दो बार कि संगत संगत हो, आपस में निपट लो। तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। तो कोर्ट में जैसे ही 8 लाख के ऊपर बात आई कि नहीं नहीं ये तो 8 लाख की देंगे, तो उनकी लॉयर बोली कि अब ये इतना दे देंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, मतलब ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला, क्योंकि उनकी कोई सेटिंग मीटिंग होगी उनके साथ, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं था। तो 8 लाख में होते ही मैं फिर घर आ गई, वैसे के वैसे छोड़ के मैं फिर घर आ गई। मेरे हस्बैंड बोले अब हमने इनके ड्रामे नहीं करने, अब ये लाइन पे नहीं आ रहे, हमने मुकदमा दर्ज करवाना है। तो मुकदमा दर्ज करवाने हम जैसे ही चौकी में पहुँचे, तो चौकी वालों ने उनको फ़ोन किया कि जी मुकदमा दर्ज करवाने आए हैं, अगर आपको कुछ बातचीत करनी है तो आप आ जाओ। वो दोनों हस्बैंड वाइफ तुरंत प्रभाव से आ गए चौकी में। तो हुआ क्या कि मैंने उस बंदी के हाथ में गुरुजी का स्वरूप देख लिया था। वो उस दिन जब आई थी तो गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेके आई, क्योंकि वो जब उसको मतलब होता था ना गुरुजी से अपना काम निकलवाना होता था, वो तभी गुरुजी का स्वरूप उठाती थी। बाकी मैंने मंदिर में उसके घर में जाके देखा है कि गुरुजी के स्वरूप पे हर वक्त मट्टी चढ़ी हुई होती थी। तो स्वरूप लेके आई, अब मुझे तो ये चीज़ देखते ही गुरुजी की भी तो इज्जत रखनी थी ना, कि मैं नहीं चाहती थी कि गुरुजी का विश्वास इसके प्रति भी टूट जाए, मैं नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत 8 लाख रुपए में सरेंडर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे मेरा 8 लाख रुपए दे दो और मैंने आपको माफ़ किया। तो हमारे गुरुजी जो है संगत जी, वो मतलब कैसे कैसे क्या क्या करते हैं इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। अब फिर लास्ट में मैंने गुरुजी का स्वरूप उसके हाथ में देखा तो मैंने उसको माफ़ कर दिया कि नहीं, गुरुजी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, अगर मेरी तकदीर में होगा तो गुरुजी मुझे कुछ और रास्ता दिखा देंगे या फिर इसी को सद्बुद्धि दे देंगे कि ये धीरे धीरे करके मेरा पैसा लुटाएगी। बस यही सोच के मैंने इस केस को डी एंड कर दिया और मैं 8 लाख रुपये लेके अपने घर आ गई। और आज मेरे सर पे 6.5-7 लाख रुपए का कर्जा है, मुझे नहीं पता मैं कैसे उसको चुकाऊंगी, गुरुजी को पता है, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता है। मुझे गुरुजी रास्ता दिखाएंगे, मैं उस रास्ते पे चलूंगी। अब कोई मेरे बाल खींचने आएगा, कोई मुझे तंग करने आएगा, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी की है, मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने उसके हाथ में गुरुजी का स्वरूप देखा और मैंने वहीं पे वो केस बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि नहीं, इसका भी विश्वास बना रहना चाहिए कि मैं गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में लिख के आई हूँ तो गुरुजी ने मेरी सुनी। हमें संगत घड़ानी नहीं है, बढ़ानी है। अब इस दौरान क्या होता है कि 4-5 साल पहले मेरा कमिश्नर ऑफिस में, जैसे हमारी जान पहचान थी किसी भैया के थ्रू, तो मैं भैया की गाड़ी में और कुछ लेने गई हुई थी सामान वामान, तो वो कमिश्नर ऑफिस में रुके थे और गाड़ी भी उन्हीं की थी जो कमिश्नर ऑफिस में जॉब करते हैं भैया,
उन्हीं की थी, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ के कमिश्नर ऑफिस गए, हम चाय पानी हमने पी वहाँ पे, और मुझे वो भैया वापस अपने घर छोड़ने आ रहे थे, तो मैंने क्या देखा कि मेरी सीट के नीचे 3.5-4 तोले की चेन पड़ी हुई है, चेन पड़ी हुई है, तो मैंने वो उठाई, उठा के उन भैया को बोला, मैंने कहा भैया ये किसकी है, देखो इस सीट के नीचे पड़ी हुई थी। तो उन भैया ने, वो भैया गाड़ी मोड़ के तुरंत वापस कमिश्नर ऑफिस गए, हमने उस भैया को, उन भैया को जो ऑफिस में जॉब करते थे, उनको वापस उनकी चेन दी। उन्होंने मुझे बोला था आज से 4-5 साल पहले कि शीतल आपको जब भी कोई काम होगा, क्योंकि मैंने आपकी ईमानदारी यहाँ पे देख ली, आप चुपचाप ये लेके अपने घर भी जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए। तो मैंने कहा भैया दूसरों के धन का क्या ही करना है, अब अपने नसीब में होगा वही काम आएगा। तो मैंने उन भैया को वो चेन लौटाई, उन्होंने मुझे 4-5 साल पहले बोला था कि शीतल तुझे कुछ भी काम होगा तो मेरे को तू जरूर सबसे पहले कॉन्टेक्ट करेगी। तो वो भैया मेरे आज इस केस में बड़े काम आए थे, मतलब हर ऑफिस में मेरे 4-5 बंदे खड़े हुए थे कि वो मुझे कुछ भी हार्म ना कर सके। तो ये हमारे गुरुजी की लीला है, और जो कुछ किया इसी के साथ मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ, और गुरुजी ने चाहा तो और कभी मौका मिलेगा तो मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।